सिटी में छात्रों के बीच झड़प के मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के मॉरिस नगर थाने के बाहर की हैं। बुधवार को 2 छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसा के बाद पुलिस ने यहां डटे कई छात्र छात्राओं को जबरन हटाया। इस दौरान कई स्टूडेंट्स को चोट भी आई। पिछले 2 दिनों में हुई ऐसे हिंसा के मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। कोई भी फुटेज या फोटोग्राफ या कोई भी एविडेंस अगर मौजूद है किसी और पुलिस वाले के खिलाफ तो उसको सामने लाएं। इससे पहले गुरुवार को लेफ्ट छात्र संगठन से जुड़े छात्र छात्राओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ये छात्र मारपीट के दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुई झड़प से निपटने में पुलिसकर्मियों के रवैये पर सवाल उठ रहे थे। पुलिस वालों पर मीडिया कर्मियों के अलावा फैकल्टी के साथ मारपीट के भी आरोप लग रहे थे। वीडियो और तस्वीर के आधार पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की पहचान की गई। आज वामपंथी छात्र संगठनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च भी निकाला। छात्रों ने मारपीट की घटना में शामिल आरोपियों और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल ये पूरा मामला रामजस कॉलेज में देश का आरोप झेल रहे जेएनयू के छात्र उमर खालिद को बुलाने से जुड़ा है। रामजस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग ने एक सेमिनार के लिए 21 फरवरी को उमर खालिद और जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद को स्पीकर के तौर पर बुलाया था। उमर को पिछले साल जेएनयू में अफजल गुरु पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वहीं शहला राशिद इन छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन चलाने में शामिल थे। अंदर की बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के रामजस कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। दूसरों में परंपरागत तौर पर एबीवीपी और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ साल में एनएसयूआई कमजोर नजर आ रही है। आईसा जैसे वामपंथी छात्र संगठनों को लग रहा है कि जेएनयू की तरह दूसरों में दबदबा कायम करने का रास्ता रामजस कॉलेज से ही निकल सकता है, इसलिए उन्होंने जेएनयू कांड में फंसे उमर खालिद को अपना कार्यक्रम में बुलाया। ऐसा को मालूम था कि इस पर एबीवीपी बवाल मचाएगी, वही हुआ और एक बार फिर राजधानी में परीक्षाएं शुरू होने से ठीक पहले कैंपस में प्रोग्राम शुरू हो गया।